हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल पे आने वाले 0.6 अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग 0.6 अपडेट के बारे में पूछ रहे थे कि ये अपडेट जो है वो कब आएगा हमारे मोबाइल पे। हमारी इस वाली वीडियो पे जो है बहुत सारे कमेंट भी आए थे इसके रिलेटेड। तो फाइनली जो है पबजी मोबाइल ने एक मेंटेनेंस नोटिस दिया है। जब मैंने गेम पे लॉग इन किया तो मेरे को जो है एक मेंटेनेंस नोटिस देखने को मिला। तो उस मेंटेनेंस नोटिस में जो है आप देख सकते हैं कि हमें क्लियरली यहाँ पे लिखा रहा है कि मेंटेनेंस अपडेट जो है वो होगा 12 बजे से लेकर 8 बजे तक UTC, मतलब कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से जो है सुबह के 5:30 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 के आसपास तक सर्वर जो है हमारा मेंटेनेंस में रहेगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त जो है सर्वर आपका मेंटेनेंस होगा और आप जो है पबजी मोबाइल गेम नहीं खेल पा रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि जो है 0.6 का अपडेट जो है वो आने वाला है। अब इन्होंने इसमें जो है काफी सारी चीजें बताई कि अपडेट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे अपडेट के बारे में बताया कि जो अपडेट 19 से 25 के बीच में होगा उसके अंदर जो है आपको रीनेम कार्ड मिल जाएगा, एक आउटफिट बॉक्स मिल जाएगा 3, उसके बाद 1888 बीपी भी मिलेगा। और उसके नीचे उन्होंने चेंज लॉग बताया कि 0.6 अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि 0.6 अपडेट में क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं और जो की मेन हाईलाइट फीचर है 0.6 अपडेट का, वो है यही फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव जो है फाइनली 0.6 में आ जाएगा। और ये अपडेट जो है वो होगा, जब भी होगा, 18 तारीख लिखा हुआ आ रहा है, तो 18 आज ही है, तो दोपहर के बाद जो है हम गेम एक्सेस कर पाएंगे। तो हो सकता है कि हमें अपडेट मिल जाए और हो सकता है कि हमें अपडेट ना भी मिले, क्योंकि ये फेज मैनर में होगा। तो हो सकता है कि अपडेट जो है धीरे धीरे सारे मोबाइल्स पे आए। तो यहाँ पे 19 से लेकर के 25 तक कहा है, तो आज से लेकर के 25 के बीच में जो है धीरे धीरे अपडेट सबको शायद मिलना शुरू होगा, या हो सकता है कि 18 को भी मिल जाए। इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, जैसे भी होगा आप लोग अपने मोबाइल पे सब देख पाओगे। तो बात कर लेते हैं कि फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर जो है हमें फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव मिलेगा, उसके बाद जो है रॉयल पास सीजन 1 मिल जाएगा, एक मिनी जोन आने वाला है, स्मॉलर मैप इन्होंने लिखा है, उसमें ज्यादा रिसोर्सेज और एयर ड्रॉप्स होंगे। तो बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो है एक आर्केड मोड है जिसमें 100 प्लेयर्स का बैटल होने वाला है, और मैप जो होगा वो 4x4 का होगा। और आई थिंक इरेंजल और डेजर्ट मैप जो है हम आर्केड मोड में खेल पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जो है हमें वेपन और एयरप्लेन फिनिशेज मिलेगा, इसके बारे में कोई आईडिया। उसके बाद जो है हमें एक आर्मरी का मिल जाएगा इन्वेंट्री सिस्टम, जो वेपन आर्मरी का एक अलग से हमें वो मिल जाएगा विंडो। और उसके बाद पिस्टल को जो है एक नया UI मिल जाएगा, मतलब कि आप जो है थर्ड वेपन पिस्टल भी जो है इसमें कैरी कर पाओगे। इसमें जो है जैसे ही आपका मेन वेपन का जो है बुलेट्स खत्म हो जाएंगे या एमो खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो है थर्ड वेपन पिस्टल जो होगा वो उसकी जगह ले लेगा। तो इस चीज के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद जो है आपके मेली वेपन जो है वो टायर्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगी, और इंडिविजुअल टीममेट्स को जो है आप म्यूट कर सकते हो। जिन टीममेट से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऑप्शन आ जाएगा ऊपर वहां पे बटन के सामने, आप जो है इंडिविजुअली किसी को भी सेलेक्ट करके जो है आप म्यूट कर सकते हो। और उसके बाद जो है पोस्ट मैच रिजल्ट स्क्रीन है, फिर टीयर प्रोटेक्शन सिस्टम है। अगला जो चीज इसमें आ रहा है वो आ रहा है कि एशियन कैरेक्टर्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली पबजी मोबाइल जो है वो चाइनीज कैरेक्टर से भरा हुआ है, हमें बहुत ज्यादा जो कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं वो चाइनीज लुक के साथ आते हैं। अब जो है शायद हमें ब्राउन कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाए इसमें। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है इमोट्स। तो इमोट्स का इंतजार भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो इमोट्स जो है हमारे 0.6 अपडेट में आ रहा है, 0.7 में नहीं आ रहा, जो कि एक अच्छी चीज है। ये हमारे उम्मीद से पहले ही आ गया है इमोट्स, अच्छी बात है। देखते हैं कि हमें इमोट्स में कौन कौन से इमोट्स देखने को मिलते हैं, लाइट स्पीड वाले देखने को मिलते हैं या टीमी स्टूडियो वाले मिलते हैं, ये अपडेट के बाद ही पता चलेगा हमें। उसके बाद जो है आप सोशल नेटवर्क को जो है एबल टू लिंक टू सोशल नेटवर्क, अब दो सोशल नेटवर्क आई थिंक फेसबुक और ट्विटर होंगे शायद, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद एडेड रूम कार्ड्स है, कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। और शॉप में कुछ नए आइटम्स आ जाएंगे और आइटम्स, तो ये जो है पूरा चेंज लॉग है 0.6 अपडेट का। तो ये अपडेट जो है 18 से लेकर 25 तक, मुझे नहीं लग रहा 18 को हमें ये अपडेट देखने को मिलेगा, बट हो सकता है शायद आ भी जाए। तो देखते हैं कि ये अपडेट जो है कब तक आता है। तो यहाँ पे रिलीज डेट उन्होंने बता दिया 19 से 25 तक का, तो हम वेट कर लेते हैं 19 से 25 तक का, आपके मोबाइल में जो है 0.6 का अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की गेमिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। We'll be right back.